नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड काउंसलिंग प्रक्रिया की नए समय विभाग चक्र की घोषणा के साथ ही अब बेरोजगारों को जो है वो इसकी काउंसलिंग का इंतजार है, और इसको लेकर आज ही काउंसलिंग लेटर जारी किए जा चुके हैं, और उसको डाउनलोड करने का जो प्रक्रिया है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। साथ ही साथ काउंसलिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है ये विस्तार से हम देखेंगे इस वीडियो में, इसलिए 2 से 3 मिनट तक इसके साथ बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आगे बढ़ने से पहले। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। न्यूज़ एंड इवेंट्स सेक्शन में अगर आप जाते हैं आरपीएससी की साइट पर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काउंसलिंग लेटर्स का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है, वहाँ पर एग्ज़ाम ईयर और एग्ज़ाम के बजाय अपन सीधा क्लिक करते हैं काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म पर। तो यहाँ आप देखेंगे प्लस को निशान को जैसे ही दबाते हैं तो इसके बारे में डिटेल आ जाती है। साइड में एक लिंक का निशान दिया हुआ है, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लिंक खुल जाएगा, और इसके बाद आपको अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ इंसर्ट करना है। जैसे ही आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आपको कैप्चा इंसर्ट करना है इनका, करते ही ये इसका काउंसलिंग लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाए। बात करें काउंसलिंग प्रक्रिया और फॉर्म भरने की, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग 18 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, और उम्मीद है कि आपने इसका टाइम टेबल देख लिया होगा अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। अभी सभी स्टूडेंट्स की एक साथ काउंसलिंग नहीं है, ये 5,700 लोगों की एक साथ काउंसलिंग फिलहाल करवाई जा रही है। इसके लिए सोमवार से आप विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल्ड आपका जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा सचिव ने ये बताया है कि इनकी जो विस्तृत सूचियाँ हैं, जो प्रोविजनल लिस्ट है, वो अगस्त में जारी कर दी गई थी। उसके बाद अब ये प्रक्रिया, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमें और ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से होगी, विस्तृत आवेदन के बाद होगी ये सब, और जांच में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। तो एक और परिणाम जारी किया जाएगा, उसमें फाइनल जो जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे उनका नाम होगा। इसके अलावा विस्तृत आवेदन पत्रों का जाँच का कार्यक्रम जो है वो अभ्यर्थियों के प्रपत्र जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। यहाँ थोड़ा जो स्पेलिंग मिस्टेक या वर्तनी की अशुद्धि है, अभ्यर्थियों के प्रपत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किसने क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ये पारदर्शिता के हिसाब से किया गया है। अभ्यर्थी 11 नवंबर से विस्तृत आवेदन पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसकी 2 प्रतियाँ, यहाँ देखिए 2 प्रतियाँ स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग के दौरान कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सौंपेंगे। तो यह आप देखिए 2 प्रति है हर डॉक्यूमेंट की, आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड खुद के द्वारा करना है, इस बार गजेटेड को नहीं अटेस्टेड करवाने, आपको खुद अटेस्टेड करने हैं। तो 2 कॉपी में आप इसको तैयार कीजिए, और निर्धारित तिथि तथा समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए अपने निर्धारित समय का ध्यान रखें, इसके लिए कोई अलग से लेटर जारी नहीं किया जाएगा। तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखें। काउंसलिंग प्रक्रिया तथा अन्य भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।